हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में हमें एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है इस फ़ोन में। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स को फिक्स किया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 43% ऑलमोस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने इसकी OTA लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो कि 10.2.2.0 के लिए है। तो इससे अगर नीचे है आप तो इसे अपडेट मत कीजिए, क्योंकि ये OTA लिंक सिर्फ 10.2.2.0 के लिए है। तो यहाँ पे अगर इसके वर्जन की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI वर्जन 10.3.1.0 है, जो कि स्टेबल अपडेट है। इसकी OTA लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जो कि 10.2.2.0 के लिए है। तो वहाँ से आप इसे मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके चेंज लॉक की बात करें, तो यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलते हैं इस अपडेट के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं इस अपडेट के बाद, और काफ़ी ज़्यादा बग्स फिक्स किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर पहले बग्स की बात करें, तो यहाँ पे हमें लेटेस्ट अपडेटेड सिक्योरिटी पहले मिल जाता है, जो 2019 का हो जाता है। और यहाँ पे हमें फ़ोन में भी फिक्स किया हुआ बग्स मिलता है। तो यहाँ पे हमें ऐप लॉक को भी इम्प्रूव किया गया है, और यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टेटस और नोटिफिकेशन सेट को भी इम्प्रूव किया गया है। और यहाँ पे अगर LED लाइट की बात करें, तो वो जो है बैटरी लो पे ब्लिंक नहीं कर रही, तो अब ब्लिंक तो करेगी। तो यहाँ पे फेस अनलॉक को भी इम्प्रूव किया गया है। लो बैटरी वार्निंग डिड नॉट अपीयर इन लैंडस्केप मोड। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बग्स को फिक्स किया गया है इस अपडेट के बाद। काफ़ी टाइम बाद हमें ये Redmi Note 5 Pro में अपडेट देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि अभी यह सभी डिवाइसेज में रोल आउट नहीं किया गया है। तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को OTA के थ्रू ऑटोमेटिकली मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे OTA लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप इसे मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं कितने ज़्यादा बग्स फिक्स किए गए हैं, कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए गए हैं इस अपडेट में।